परी को पता चल चुका है कि अब आप परीलोक के खास सुरक्षा कर्मी हैं। इसलिए हो सकता है कि वो हमसे पहले आप पर वार करने की कोशिश करे। इस बार बहुत मजा आएगा अपनी चालें चलने में, क्योंकि इस बार भयंकर परीलोक का विनाश नहीं करेगी, इस बार परीलोक का विनाश करेगी महागजनी। जैसे को तैसा मिलेगा। मोंटू की हालत तो मैं खराब करके ही रहूंगा, लेकिन दिमाग की ताकत से सोच समझ कर अच्छा माजी फटक ली। तबा तबा, कहाँ है गज्जू? वो गया कि नहीं परियों के पास? अरे देख तो रहा हूँ, कीजिए थोड़ा इंतजार। तबा तबा, परी भयंकर देखिए आ गई है महागजनी गज्जू के साथ परियों के पास। शाबाश, आगे देखो आगे देखो। महागजनी, आप इस वक्त यहाँ और वो भी गज्जू के साथ? क्या हुआ महागजनी, सब ठीक है ना? सब ठीक है, वो मैं जा रही थी तो। महागजनी सब ठीक है तो फिर आप परीलोक को छोड़ के क्यों जाना चाहती हैं? मैं परीलोक से नहीं जा रही हूँ बाल परी। तो फिर कहाँ जा रही हैं आप? मैं आज सुरक्षा की जांच के लिए परीलोक की दक्षिण दिशा में जा रही हूँ। हम तो डर गए थे, हमें लगा कि आप परीलोक छोड़कर जा रही। पर महागजनी, आप तो सुरक्षा चौकसी के लिए रात को जाती है ना? दक्षिणी सीमा यहाँ से काफी दूर है, इसलिए मुझे दिन में ही जाना पड़ रहा है। मैं तो बस गज्जू को आपके पास छोड़ने आई हूँ। छोड़ दो गज्जू को परियों के पास, क्योंकि है यही तो चाहते हम। वाह, इस बार तो भाग्य भी हमारा साथ दे रहा है, अब हमारी जीत पक्की है। आपने बहुत अच्छा किया महागजनी, जो आप गज्जू को यहाँ ले आई। महागजनी, आपकी गैर मौजूदगी में गज्जू हमारी जिम्मेदारी है, आप निश्चिंत होकर जाइए। हाँ, हम सब परियां गज्जू का बहुत ख्याल रखेंगी। क्यों गज्जू, खेलोगे ना हमारे साथ? हाँ, खेलूंगा। वहाँ गजनी गई, गज्जू है रानी परी और परियों के पास। बड़ी शान से जिम्मेदारी ली है ना तुमने गज्जू की है? लेकिन मेरे होते हुए तुम ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाओगी, नहीं रोक पाओगी मुझे गज्जू को चुराने से। भयंकर परी की चाल की वजह से परियों, आज तुम महागजनी का विश्वास तोड़ोगी। कल सुबह जब महागजनी वापस परीलोक लौटेगी तो वो परीलोक का विनाश कर देगी। जब उसे पता चलेगा कि रानी परी की वजह से उसका प्यारा गज्जू उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया है। सचिन, मैं तुझे कह रहा हूँ ना कि हम बालवीर को बुला लेते हैं, बालवीर उसे अच्छा सबक सिखाएगा। सच्ची, एक बार ट्राई तो कर ले, ट्राई करने में क्या जाता है। अच्छा हो कि परीलोक की सुरक्षा के लिए रानी परी ने महागजनी को चुन लिया। अब मैं आराम से जाकर मानव से मिलता हूँ। अच्छा वो बल्लू, तू भी आ गया। अब इस सचिन को तू ही समझा कि अगर हमें मोंटू को ठीक करना है तो फिर हमें बालवीर को ही बुलाना होगा। हाँ, वो दो मिनट में मोंटू को ठीक कर देगा। पर हुआ क्या है? अरे हुआ ये, हुआ ये कि मोंटू ने सलोनी को परेशान किया, इसीलिए
अब मैं मोंटू को इतना परेशान करूंगा, इतना परेशान करूंगा कि वो सलोनी से आकर माफी मांगेगा। तुम्हारी सेहत का ख्याल रखते हुए मैं भी यही सलाह दूंगा कि तुम बालवीर को बुला लो। ए अट्टा माजी फटकली! नहीं, हम बालवीर को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि अगर बालवीर मोंटू को कुछ करेगा तो उसका असर उसे नहीं होगा, लेकिन जब एक चीटी हाथी को मारेगी तब उसे समझ में आएगा। ये एक चीटी मतलब सचिन से पंगा नहीं लेने का। मेरे पास एक प्लान है। क्या? कुकी, इधर आ। ये ले रस्सी। अब इसका क्या करना है? तुझे मानना है? नहीं, तुम तीनों इस रस्सी के एक कोने को पकड़कर उस पेड़ के पीछे छुपोगे और हम तीनों रस्सी के दूसरे कोने को पकड़कर यहाँ इस पेड़ के पीछे छुपेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मोंटू को चिढ़ाकर वहां लाऊंगा और जैसे ही मोंटू वहां आएगा हम ये रस्सी को खींचकर मोंटू को गिरा देंगे। कोई नहीं खेलेगा इधर, इधर सिर्फ मोंटू तक रहते नहीं खेलेगा। वो देखो कहीं वो मोंटू तो नहीं है ना? ये मोटा मोंटू ही है। चलो सब लोग लग जाओ काम पे। ओके रस्सी ला। क्यों बे, समझ में नहीं आता? बच्चों को क्या परेशान करता है? अरे हिम्मत है तो मुझे परेशान करके दिखा। कैसे तुझे हवा में उड़ाता हूँ, जमीन में ले जाता हूँ, कैसे तेरी चटनी बनाता हूँ। अगर गन्ने का जूस पिया तो मुझे पकड़ के दिखा। मुझे गिराना चाहते थे, अब बचकर दिखाओ मुझे। एक बात याद रखो, मोंटू के शरीर से बड़ा उसका दिमाग है। जो मोंटू को गिराना चाहता है ना वो खुद गिर जाता है। इस बार तो बस तुम्हें गिराया। अगर अगली बार तुम दोनों ने मुझसे पंगा लिया ना तो गिराऊंगा नहीं बल्कि उल्टा लटकाऊंगा, समझे? Thank you.
शुभ मुहूर्त का इंतजार? अरे जाती क्यों नहीं आप परिलोक? जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम जाओगे परिलोक। हाँ है ठीक। क्यों हर बार डालती क्यों हो मेरे प्राण खतरे में? कुछ नहीं होगा तुम्हें। अरे कैसे नहीं होगा कुछ? अगर देख लिया मुझे परियों ने वहाँ तो छोड़ेंगी नहीं वो मुझे। नहीं, क्योंकि इस बार परियों पर वार तुम करोगे। करूंगा मैं वार? कैसे? करूंगा मैं इस डिब्बे से वार परियों पे? इसमें धुएं के गोले हैं जिससे तुम परियों पर वार करोगे, और जैसे ये डिब्बा खुलेगा चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाएगा, और उस धुएं से हो जाएगी सारी परियां परेशान, और उसी का फायदा आप उठाएगी, है ना? हाँ, इसी धुएं का फायदा उठाते हुए मैं गज्जू को वहां से चुरा लूंगी, और इससे पहले कि परियों को पता चले कि गज्जू वहां से गायब हो गया है, हम किसी सुरक्षित जगह पर छुप चुके होंगे। उत्तम, अति उत्तम परी भयंकर की है आपने पहली बार पते की बात। तबा तबा, जाओ और करो परियों को परेशान। है ठीक। मोंटू को गिराने गए थे, खुद गिरकर आ गए। कोई बात नहीं, लेकिन इस बार मेरा आइडिया फेल नहीं होगा। हाँ, सिर्फ बालवीर ही ऐसा आइडिया है जो कभी फेल नहीं हो सकता, इसलिए मैं कहता हूँ कि बालवीर को बुला लो। ये अच्छा माजी फटेगी। हम बालवीर से क्या कहेंगे? हाँ, कि हम कमजोर है इसलिए मोंटू से लड़ नहीं सकते? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। हम मोंटू की ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नहीं सर, नहीं, मोंटू ने कभी क्लास में भी सवाल नहीं पूछा, फिर उसने तुझे ईंट का सवाल कब पूछ लिया? नहीं, हम मोंटू से डर कर हार नहीं मान सकते। जब तक वो मेरी बहन सलोनी से माफी नहीं मांगेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे सचिन, तू ये सोच कि अगर मोंटू ने तुझे पकड़ लिया ना तो वो तुझे नहीं छोड़ेगा। मैं उससे नहीं डरता। ठीक है सचिन, तू करेगा क्या? हाँ सचिन, तू करेगा क्या? अभी बताता हूँ। ओए पूछ, ओए सचिन, मुझे बता, तू ये पूछ लगाकर बंदर बनेगा जैसे तू मोंटू से आसानी से बचकर भाग सके, सही कहा ना मैंने? नहीं, हम ये पूछ मोंटू को लगाएंगे, क्योंकि मोंटू हाथी तो है, बस इस पूछ की कमी है, और आज वो कमी भी पूरी हो जाएगी। सचिन, मुझे तो लगता है तेरी सचमुच में खिसकली है। ए मानव, सॉरी बोल, वरना मारेगा। सॉरी। चला अभी। मोंटू को नहीं जानते? अरे मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी, तुम उसको भी नहीं जानते तो जानते किसको तुम लोग? नॉनसेंस। लिखो, 2 डबल चीज पिज्जा, चीज थोड़ा ज्यादा डालना, 2 मायनीज पिज्जा,
कैसे बचाएंगे उस मॉन्टू से? हाँ? तुम दोनों को मैंने कितनी बार बोला तुम मुझसे पंगा मत लो, तो भी तुम दोनों नहीं माने ना, अब देखना मैं कैसे तुम्हारा बुरा हाल करता हूँ। क्या हुआ, मजा आया? आ गया। आओ एक और बार हो जाए। तो खड़े क्यों हो, भागो यहाँ से। पिटाई देकर हंस रहे होंगे। नहीं, वो बंदर को देखकर हंस रहे हैं। बंदर कहाँ है? बंदर बंदर कहाँ है? हमारे सामने। हाँ हाँ, ये क्या? हाँ हाँ, चलो निकलो, चल हट रहे हैं। चल तमाशा लगा है क्या? क्या रे, बंदर बन के मजा आया? मोंटू तो ग्रेटेस्ट लखनी से पंगा लिया था, आगे से लिया ना तो मेरे से पंगा लेने चले थे। गज्जू के साथ खेल में इतना भी मत खो जाइएगा, क्योंकि भयंकर परी का खतरा भी खत्म नहीं हुआ है। हाँ परियो, भयंकर परी कब कौन सा वार करेगी ये हमें नहीं पता, हमें सतर्क रहना चाहिए। हम सब समझते हैं रानी परी, हम आपकी इस बात का ध्यान रखेंगे। जी आएगा मजा परियो। सावधान हो जाइए, हम अभी पता लगाते हैं कि ये काले बादल आए कहां से। जी रानी परी। सही समझा तुमने परियो, अब बरसाएगा ये बादल काला घना धुआं। ये गोले सिर्फ धुएं के नहीं बल्कि आंसू लाने वाले गोले हैं। आप सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। गज्जू, गज्जू अपने आप को संभालो।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.